हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो फाइनली जी जनाब, हमारा आज का जो व्लॉग है वो है बाबू से टॉप की जानिब। अभी ये जो फर्स्ट व्लॉग है, पार्ट वन है बाबू से टॉप का, ठीक है। इसमें ना आपको सिर्फ रास्ते के खूबसूरत खूबसूरत मंजर आपको जो है वो शो होंगे। तो जी जनाब, हम अपना जो सफ़र है वो हमने तो दो दिन पहले से स्टार्ट कर दिया हुआ है। आपको मैं आई थिंक काफ़ी देर से जो है अपने व्लॉग्स दिखा रही हूँ, अपने ट्रैवलिंग के व्लॉग्स। मुझे ट्रैवलिंग का इंतहा का शौक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वर्ल्ड ट्रैवल अगर मैं इंशाल्लाह करूँगी तो आप लोग साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए आप लोग अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं ना किया है तो जल्दी से कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को मेरे वर्ल्ड ट्रैवल की टूर की ट्रिप की जो है वीडियोज़ मिल सके। सो जी जनाब, हमारा जो ये रास्ता है वो जा रहा है बाबू सर टॉप की जानिब। सो लेट्स इन्जॉय द व्यूज़। और जी जनाब, हम यहाँ पे जो है गाड़ी के छत पे हम लोग बैठ चुके थे और हमने काफ़ी ज़्यादा जो है खूबसूरत व्यूज़ जो है कैप्चर किए, इन्जॉय किया, सॉन्ग्स बोले और काफ़ी ज़्यादा चिल किया ठंडी ठंडी हवा में। एज़ यू कैन सी के बर्फ़ जो थी वो ऑलमोस्ट 80% जो थी वो ख़त्म हो चुकी हुई थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमें बाबू सर टॉप के ऊपर जून के बीच में हमें वहाँ पे लाइव स्नोफॉल इन्जॉय करने का मौका मिला। कैन यू गाइज आर इमेजिन, जून में है, हमने बहुत इन्जॉय किया। आप लोगों ने देखे फ्रिज बनाया हुआ है, छोटे छोटे लोगों ने बॉटल्स ठंडी करने के लिए, यू नो बर्गर टाइप बच्चे हैं। और ये मैं खूबसूरत अपने मुर्शद को प्यार करते हुए, उनसे बातें करते हुए, उनको देखते हुए, उनके साथ एंजॉय करते हुए ये मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं। हम गए थे दरअसल हम ईद के दिनों में, ठीक है। तो ईद के दिनों में काफ़ी 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 ज़्यादा रश था कि वहाँ पे हमें दो दो ढाई ढाई घंटे जो है वो ट्रैफिक में रुकना भी पड़ा। लेकिन है यहाँ पे इतनी ट्रैफिक नहीं थी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हम तकरीबन 10 बजे से पहले 8:30 बजे के करीब या 9 बजे 9 बजे तक हम यहाँ से निकल चुके हुए थे। इस वजह से हमें जो है इतना ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये जनाब छोटे छोटे व्यूज़ हैं, मैंने इन पर ऊपर कोई फॉरवर्ड नहीं लगाया, कोई इसकी स्पीड तेज़ नहीं की, बिकॉज़ इतने इन मज़ेदार व्यूज़ है ना कि मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ करूं या मैं कुछ भी करूं। तो इस वजह से मैं आपको थोड़े थोड़े इस तरह आपको एक एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही होगी और आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। सोचिए जनाब, आप लोगों को पता है कि हम ट्रैवल विद अमीर के साथ जाते हैं, तो हम इस दफ़ा भी ट्रिप पे उनके साथ ही गए थे। फाइनली उन्होंने अपनी जो डेस्टिनेशन है वो चेंज की, वरना तो वो मोस्टली जो है कश्मीर ही लेके जाते हैं। तो कश्मीर आई थिंक मैं 4 दफ़ा हो गई हुई हूँ, आप लोगों ने व्लॉग्स भी देखे होंगे। एक दफ़ा हम गए थे काफ़ी, अब जो है नारान गए थे, नारान का गान हम गए हुए थे, नारान का गान, ठीक है। वहाँ पे हमें इतने कोई पॉइंट्स नहीं थे देखने वाले, जो सर्पिल में लोग थे, लुलु सर लेक था, बाबू सर टॉप था और बाकी जो थे रास्ते के व्यूज़ थे। रास्ते के व्यूज़ तो आप लोग चेक कर सकते हैं यार, एवेन्यू में पहाड़ों से मुझे इश्क है, एक इश्क अलग हिसाब से भी है, लेकिन जो पहाड़ों से इश्क है ना वो एक अलग ही वाइब्स आती है, एक सुकून, पुरसकून और बहुत मज़ेदार सा जो है वो रास्ता था। इन्जॉय करते हुए गए हैं, वहाँ पे हम पहुँचे तो पहुँच के हमने वहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया। आप लोगों को जो बाकी का व्लॉग है ना वो उसका पार्ट 2 में मिलेगा जनाब, इतने मज़े की जगह ऐसे थोड़ी एकदम से दिखा दूँ सारा कुछ। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और डेफिनेटली सब्सक्राइब तो लाजमी हो गया। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने ना ड्राइवर जो थे अंकल हमारे, उनसे मैंने पूछा, अंकल आपको कभी रास्ता नहीं भूला? तो कहते हैं कि ज़िंदगी में एक दफ़ा मैं भूला था, ठीक है, उसके बाद से मैं भूला नहीं। वो इस वजह से कि मुझे वो काफ़ी लंबा जो है ना वो कह लें कि रास्ता भूल गया था और मुझे ऊपर से आना पड़ा, जहाँ पे मुझे 2 घंटे लगे थे वहाँ पे मुझे 4 घंटे लगे दोबारा उस स्टेज पर, जहाँ से मैंने रॉन्ग टर्न लिया था। तो मीन्स के रास्ते बिल्कुल सीधे सीधे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इनको याद हो जाता है कि कौन सा टर्न कहाँ से लेना है, कहाँ से राइट होना है, कहाँ से लेफ़्ट होना है, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है। हालांकि मैं एक ही रास्ते के ऊपर कोई 3 से 4 दफ़ा जा चुकी हूँ, नहीं 5 से 6 दफ़ा जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे स्टिल अभी तक रास्ते आ रहे हैं। मुझे सिर्फ मंजिल का आता है ना यार, पहाड़ों में पहुँचना है, बस किसी तरीके पहुँचना है,
चाहे जैसे लेफ्ट से जाएं या राइट से जाएं, पहुंचना पहाड़ों में है। साथ आपको एक मज़े की बात बताते चलें, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया हुआ कुछ भी ना अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो हर इस व्लॉग में आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। मेरा नाम है ज़ोई, ट्रैवल विद ज़ोई, बिकॉज कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, इस वजह से ट्रैवल विद ज़ोई। मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन की है और जो है मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो 3 से 4 साल से बना हुआ, लेकिन कंटिन्यूसली मैंने उसके ऊपर वर्क नहीं किया हुआ, किया फिर छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, लाइक दैट। तो मैंने इस वजह से है अब कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया है, जैसे मैंने 2 माह पहले किया था लेकिन मुझे फिर छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ जॉब, बिकॉज मैं जॉब भी साथ कर रही हूँ और मुझे ट्रैवलिंग का शौक है और ट्रैवलिंग जॉब भी मेरी ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। लाइक मैं लोगों के आई एम अ वीज़ा कंसल्टेंट, विजिट वीज़ा कंसल्टेंट, तो आप लोगों को इसके बारे में कोई क्यूरी वगैरह हो तो मुझे लाजमी कमेंट करिएगा, ठीक है। मैंने अपनी जो एजुकेशन वो बिज़नेस एंड मैनेजमेंट में की है, ठीक है। HRM में मेरी वो है स्पेशलाइजेशन है और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हुई है और अब मैं जो है वो कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ विज़िट से रिलेटेड। लाइक मैंने ये चीज़ सोची हुई है कि मैंने पहले सारे देख लेने हैं कि वीज़े कैसे होते हैं, ठीक है, उसके बाद मैंने खुद ही अप्लाई करके निकल जाना करना है, एक एक दो ट्रिप कट्ठे एक एक वीक में, मतलब मोस्टली हम इस तरह भी जो है ना बना के देते हैं, ट्रिप्स प्लान करते हैं। और आप, मैं इंस्टा पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर लें, टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर लें, ठीक है। अगर मेरा कोई भी इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में कोई प्लान हुआ तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। किस चीज़ का प्लान होगा ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम एक रिसेंटली जो है वो अपना एक काम स्टार्ट करने लगे हैं, लाइक फीमेल्स के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए जो लाइक बाहर जाके घूमना वगैरह जाती हैं, ठीक है, लाइक बाकू, बाली, थाईलैंड, मलेशिया, इस तरह के जो ट्रिप करना चाहती हैं, तो उनके लिए हमने अपना ऑफिस जो है वो रेनोवेशन करवा रहे हैं, तो उस सिलसिले में हम आपसे जो है करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के साथ अपना ऑफिस भी शेयर करूँगी, अपनी डेली रूटीन भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी और ऑफिस में हम क्या क्या करते हैं मैं वो भी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। सो जी जनाब, आपको तो बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे, मेरी फजूल सी बातें भी इंजॉय कर रहे होंगे, व्यूज़ भी इंजॉय कर रहे होंगे और लाइक कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। बहुत इंजॉय किया था यहाँ से, मैंने वो खिड़की से बाहर निकाल के क्या कहते हैं मुंडी, हाँ मुंडी बाहर निकाल के मैंने वीडियोस क्लिप भी बनाए। तो होप यू गाइस आर इंजॉयिंग दिस व्लॉग एंड आल्सो माय बकवास। वाओ, सो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।